नंबर वन, नंबर वन कौन सा नेता बाहर के बंदों से लाया? एक बार बताओ, जब भी जंग हुई तो मोदी जी बाहर के हमारे देश के बंदों को लाए ना यहाँ पर? कोई लाया आज तक नेता? सबने हाथ खड़े कर देते हैं। कौन भूखा मर रहा है? कोई नहीं है, सब अपने कमा रहे, खा रहे, मजे ले रहे। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, सैलरी है इतनी कि परिवार चल पाए? 14,000 मिल रही है हमारे को। 10 साल पहले कितनी थी? 10 साल पहले कितनी थी? 10 साल पहले तो अपना काम कर रहे थे, दुकान थी परचून की, कोरोना में बंद कर दी। क्या लगता है कि आप एक आम इंसान है, महंगाई के ऊपर कितना लगता है आपको? महंगाई कुछ नहीं है, एक गरीब आदमी रिक्शे वाला भी 1,000-2,000 रुपए कमा के ले जा रहा है। महंगाई उनके लिए है जो नहीं कमाना चाहते। विपक्ष जो हल्ला कर रहा है फिर? वो तो खुद ही दो नंबर का काम देखा नहीं, अभी कैसे पकड़े गए हैं, कांग्रेस के राज में कितने नोट पकड़े गए हैं, फिर हल्ला नहीं करेगा वो? ना वो खा रहा है ना खाने दे रहा है। केजरीवाल तो ईमानदार हैं। अरे वो तो सब में बड़ा ईमानदार है, एक के साथ एक दारूगिरी दे रहा, वो तो इतना बड़ा ईमानदार है भाई। वो तो जब 32 लाख के वो 52 लाख के पर्दे लगा सकता है घर में, इतना बड़ा ईमानदार तो होना ही चाहिए भैया। उनको तो अंदर वैसे ही किया जा रहा है, मोदी जी कर रहे हैं बिना बात का। मोदी जी तो सबको अंदर कर देंगे, जितने भी उनके विपक्ष वाले ना सब अंदर चले जाएंगे, और जितनी जनता उनको नहीं देती वोट वो भी अंदर चली जाएगी। खड़गे जी यही कहते हैं खड़गे जी कि भैया सबको अंदर कर रहे हो, आप ही अकेले रहो यहाँ पर। अरे अकेले रह सकते हैं तो वो इलेक्शन किससे जीतेंगे? कभी तो वो मशीन का आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है, तो जब उनकी सरकारें आ जाती हैं जब नहीं कहते। आप एक आम इंसान है, आपको क्या लगता है ईवीएम का खेला चल रहा है क्या देश में? कहाँ से चल रहा है? अभी वो क्या नाम है, बिरयानी मास्टर के राहुल गांधी जी नहीं जीते? फिर तो वहाँ पर भी तो चलता ना, फिर वहाँ पर भी तो मोदी जी गए थे भाषण देने, वहाँ क्यों नहीं चला? फिर दिल्ली में भी तो हुए थे चुनाव, उसमें क्यों नहीं चला? फिर जहाँ हार जाएगी आदमी वहाँ मशीन खराब है, कभी आदमी खराब है, कभी मोदी जी किसी को मारना चाह रहे हैं, किसी को बम फाड़ना चक्कर जो है ना, यहाँ बम फटते थे पहले किसी टाइम में, तब वो बंद हो गए। तो इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि उग्रवादी यहाँ आ जाएं। आज कितनी सीमा पूरी में झुग्गी झोपड़ी है, क्या है हमारा राशन ही तो खा रहे वो, हमारे हिस्से का राशन खा रहे हैं ना। फिर यहाँ चांदनी चौक में देख लो, कोई तो चैन खींच के भाग जाएगा, कोई कुछ मोबाइल छीन के भाग जाएगा। सरकार ने तो ला के रखा हुआ है ना, तो दिल्ली में सरकार किसकी है? वो कहाँ कह रहे, वो तो कह रहे बसो, लैटरिन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सारे बांग्लादेशी तो यहाँ बसा दिए, अब राजस्थान से भगा रहे हैं ना, अब सब दिल्ली आएंगे राजस्थान से। हाँ, सारी भीड़ यहीं आ रही है, सब यहीं आएगी।